सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बीएनसी यूनिवर्स को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आप तक पहुंचे हमारे वीडियो सबसे पहले। हाय दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हैं बीएनसी यूनिवर्स चैनल ऑन यूट्यूब। आज हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड वर्क परमिट के बारे में, क्योंकि न्यूजीलैंड ही एक ऐसा लौता इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ईजी है इमिग्रेट करना, और इनकी प्रोसेस भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है और ऑनलाइन प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। सो इसके बारे में आज हम बात करेंगे और देखेंगे कि किस किस तरह से हम न्यूजीलैंड में इमिग्रेट हो सकते हैं और क्या क्या हमें करना पड़ेगा ताकि हम उनके पॉइंट सिस्टम में फिट बैठ सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दो लिंक बता देता हूँ जिसकी मदद से कि आप ऑनलाइन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं या ऑनलाइन वर्क परमिट के लिए अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। तो सबसे जो पहला लिंक है वो है www.immigration.govt.nz। दूसरा जो लिंक है वो है skillshortage.immigration.govt.nz। ये दो जो लिंक है इसकी मदद से आपको ये पता चल जाएगा कि किसकी स्किल की ज़रूरत है न्यूजीलैंड में, साथ ही साथ आप ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं अपने वर्क परमिट के लिए। तो यहाँ पे कुछ कैटेगरी में मैंने वर्क परमिट को डिवाइड कर रखा है ताकि आपको इजीली समझा सकूँ कि आप कौन से वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन सा ज़्यादा ईजी है। तो सबसे पहले जो सबसे ईजीएस्ट पार्ट है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्किल्ड इमिग्रेंट कैटेगरी के बारे में, क्योंकि ये हमेशा ओपन रहता है यहाँ पे। मतलब उन ऑक्यूपेशन की बात की जाती है जिनकी की शॉर्टेज है, मतलब उन स्किल की बात की जा रही है जिनकी शॉर्टेज है न्यूजीलैंड में, जिनके की उनको वन मैन पावर या फिर वर्कफोर्स नहीं मिल रहा है। क्योंकि कई सारे ऐसे जॉब्स होते हैं जिनके लिए स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है और वो स्किल्ड लेबर कई बार नहीं मिलते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे ऑक्यूपेशन खुलता है। उनके वेबसाइट जो मैंने आपको दो लिंक दी थी उन्हीं में ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वो जो ऑक्यूपेशन है जिसके लिए स्किल का शॉर्टेज है। तो आप उस स्किल के लिए या उस ऑक्यूपेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो उसमें आपको ये देखना है कि आपके पास वो स्किल है या नहीं जिस स्किल की शॉर्टेज है, साथ ही साथ आपके पास वो क्वालिफिकेशन है या नहीं ताकि आप उस कैटेगरी में फिट बैठ सके और उस ऑक्यूपेशन के लिए अपना इंटरेस्ट शो कर सकें। अगर आपका जो स्किल है उस ऑक्यूपेशन से मिलता है जिसकी ज़रूरत है या जिसकी शॉर्टेज है अभी न्यूजीलैंड में, देन आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कर सकते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट करने के बाद न्यूजीलैंड के जो गवर्नमेंट है, मतलब इमिग्रेशन के जो पीपल हैं, जो डिपार्टमेंट है, वो उस एप्लीकेशन को गो थ्रू करेंगे और अगर उन्हें लगा कि आपका एप्लीकेशन फिट बैठता है इस शॉर्टेज से निपटने के लिए, देन वो आपको अपना ऑफर लेटर देंगे जिसकी मदद से कि आपको अपना फाइल पुट अप करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी और उसमें सारी चीज़ें लिखी होंगी जैसे कि फीस स्ट्रक्चर वगैरह, सारी डिटेल्स उसमें दी रहती हैं। तो ये सबसे इजीएस्ट वे है न्यूजीलैंड में एंटर करने के लिए। साथ ही और भी कई टाइप्स के वीज़ा यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जो दूसरा है वो है स्पेसिफिक पीरियड या स्पेसिफिक पर्पस वीज़ा, जिसमें कि आप किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए जा रहे हैं वो आप दर्शा के न्यूजीलैंड में एंटर कर सकते हैं। बट ये सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, तो आप ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्टे नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम एक यहाँ पे एग्जांपल दे दें, देन आप शादी अटेंड करने के लिए शादी अटेंड कर लिया, देन वापस आपको इंडिया आना पड़ेगा, इस तरह का रहेगा। देन तीसरा जो यहाँ पे एक और एक वीज़ा है वो है पार्टनर्स ऑफ स्टूडेंट वीज़ा। मतलब यहाँ पे आपको अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे गए हैं और आपके पार्टनर को आप बुलाना चाहते हैं, देन आप उसको बुला सकते हैं और आप उनका जो वीज़ा रहेगा वो तब तक वैलिड रहेगा जब तक आप वहाँ पे एज ए स्टूडेंट वीज़ा है या फिर जब तक आपका वीज़ा न्यूजीलैंड में है तब तक ही आपके पार्टनर का वीज़ा वैलिड रहेगा और वो तब उस टाइम में फुल टाइम काम कर सकती हैं। तो ये एक फ़ायदा रहता है। चौथा जो यहाँ पे कैटेगरी है वो है बिजनेस विजिटर वीज़ा, जिसमें कि आपको 3 महीने का वीज़ा मिलता है जिसमें आप स्टडी भी कर सकते हैं 3 महीने के लिए। सेम चीज़ पार्टनर ऑफ स्टूडेंट वीज़ा में भी लागू होती है। तो यहाँ पे आप 3 महीने स्टडी कर सकते हैं, साथ ही साथ बिजनेस वीज़ा में आप 3 महीने स्टे कर सकते हैं न्यूजीलैंड में। पांचवा जो वीज़ा टाइप है वो है पोस्ट स्टडी वीज़ा। मतलब आपने न्यूजीलैंड में पढ़ाई किया उसके बाद आपको अगर जॉब करना है या फिर आपको अगर वर्क परमिट चाहिए, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आपने न्यूजीलैंड में अपनी मास्टर डिग्री या फिर पीजी का कोई कोर्स किया है, देन उसके बाद आप आराम से वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं वर्क परमिट के लिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीज़ा है, मतलब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है
पार्टनर ऑफ वर्क वीज़ा, पार्टनर ऑफ वर्क वीज़ा मतलब अगर आप वर्क परमिट पे हैं न्यूजीलैंड में, देन आप अपने पार्टनर को भी बुला सकते हैं और वो भी वहाँ पे फुल टाइम काम कर सकती हैं, और ये वीज़ा तभी तक लागू रहेगा जब तक आपका वीज़ा है। और जो लास्ट पॉइंट यहाँ पे है, जो कि एक स्पेसिफिकली अच्छा पॉइंट है क्योंकि मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, ये जो वीज़ा है वो सिर्फ नवंबर में खुलता है और इस वीज़ा का नाम है सिल्वर फॉन्ट वीज़ा। इस वीज़ा में नवंबर में ये ओपनिंग आती है और आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ 9 महीने का रहता है स्टार्टिंग में, उसको आप बाद में एक्सटेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें भी कई सारी चीज़ें मायने रखती हैं, जैसे कि हमने जो स्टार्टिंग में कहा था कि स्किल्ड इमिग्रेंट कैटेगरी जो था उसमें भी आपको पॉइंट सिस्टम का सामना करना पड़ेगा, मतलब न्यूजीलैंड में अगर आपको रहना है, न्यूजीलैंड में अगर आपको यहाँ पे स्टे करना है, वर्क परमिट लेना है, देन आपको 160 पॉइंट्स स्कोर करने पड़ेंगे। 160 पॉइंट स्कोर किए बगैर न्यूजीलैंड में एंटर होना नामुमकिन के बराबर है क्योंकि उनको मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वह है 160 पॉइंट। तो 160 पॉइंट लाने के लिए आपको तैयार रहना है। 160 पॉइंट किस तरह से होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे एक रफ आइडिया दे देता हूँ, इन फ्यूचर मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको पता चल जाए कि इनका पॉइंट सिस्टम कैसा होता है और किस तरह से आप अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बारे में मेरा वीडियो जल्दी ही आ जाएगा। बट आपको अभी एक रफ आइडिया दे देता हूँ ताकि अगर आप अपना पॉइंट्स कैलकुलेशन करना चाहते हैं देन आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि कितने पॉइंट्स हो जाएंगे। सबसे पहली चीज़ होती है एज। एज आपकी कितनी है वो निर्धारित करती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि एज में काफ़ी ज़्यादा पॉइंट होते हैं, 30 पॉइंट्स तक होते हैं। दूसरा जो होता है कि आप स्किल्ड जॉब के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं देन उसके भी पॉइंट्स होते हैं। अगर आप ऑकलैंड के बाहर काम करने वाले हैं देन उसके भी पॉइंट्स मिलते हैं। साथ ही साथ जहाँ पे शॉर्टेज है, जिस प्रोविंस में, जिस एरिया में शॉर्टेज है स्किल्ड लेबर की, अगर आप वहाँ पे काम करने वाले हैं देन उसके लिए भी एक्स्ट्रा पॉइंट है। इवन आपकी स्पाउस अगर वो 6.5 आईएलटीएस में बैंड लाती हैं देन उसके एक्स्ट्रा पॉइंट है। आपके भी आईएलटीएस पॉइंट 6.5 चाहिए होते हैं, उससे कम नहीं एक्सेप्ट किया जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। और साथ ही साथ जो यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट चीज़ रह गई है वो है आपका एजुकेशन और दूसरा है वर्क एक्सपीरियंस। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों के बगैर कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती। अगर हम एजुकेशन की यहाँ पे बात करें देन एजुकेशन में अगर आपने बैचलर डिग्री किया है देन आपको 50 पॉइंट्स मिलते हैं, मास्टर डिग्री किया है या फिर डॉक्टरेट किया हुआ है देन 70-80 पॉइंट्स मिल जाते हैं। देन ये है एजुकेशन का इतना ज़्यादा महत्व। और साथ ही साथ अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, खास करके स्किल्ड फील्ड में अगर आपका एक्सपीरियंस है, जैसे कि मतलब आपने 5 साल का अगर वेल्डर का काम किया है और आपके पास डिग्री नहीं है एज ए वेल्डर, देन आपका 5 साल का एक्सपीरियंस आपके लिए काउंट कर जाता है और आपको एलिजिबल बना देता है उन लोगों के साथ कंपटीशन करने के लिए जिनके पास की डिग्री है, क्योंकि आपके पास स्किल्ड एक्सपीरियंस है 5 से 6 साल का। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है और इसके भी काफ़ी सारे पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ पे जो आपको पॉइंट मिल जाता है स्किल्ड एक्सपीरियंस के लिए वो है 50 पॉइंट्स। तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा हो जाता है अगर आपके पास स्किल्ड एक्सपीरियंस है। तो इस तरह से आपको 160 पॉइंट स्कोर करने होते हैं। एक डिटेल में वीडियो इसके ऊपर ज़रूर बनाऊंगा ताकि आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल सके कि ये पॉइंट सिस्टम होता कैसे है, क्योंकि ये वीडियो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो आप लोगों को और ज़्यादा मतलब यहाँ पे और वेट नहीं कराते और आज का वीडियो जो है यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ अगर आपको और वीडियो देखने हैं इससे पॉइंट सिस्टम के बारे में या फिर न्यूजीलैंड वीज़ा के बारे में देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भी ना भूलिएगा। दिस इज विश्वास साइनिंग ऑफ। स्टे कनेक्टेड।